तो हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सचिन प्रजापत और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे यार नाटा का नंबर वन यूनिट जो हमारे पास है आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो सर हमने शुरू कर दिया हमारा लास्ट 15-20 डेज की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी 15-20 डेज की जो स्ट्रेटेजी, एक क्या एक बाहुबली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यार, जहां पर आप अपना पूरा अगर एफर्ट लगा रहे हो तो आप एक अच्छा खासा स्कोर, अच्छा खासा कॉलेज ले सकते हो। उसके अंदर यार वीडियो के अंदर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे मिला यार, बहुत देखकर जानकर खुशी हुई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसकी यार यही चीज यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है यार मुझे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से लेकर आकर आप लोगों को दे दूं, बस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए यार मुझे आप लोगों से। आप यार मेरी तरह स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आप जिस फेज से भी चल रहे हो उस फेज से यार मैं भी जा चुका हूं। मुझे पता यार इस फेज से निकलते वक्त पैसों वैसों की टेंशन नहीं रखनी चाहिए दिमाग में फालतू की, तो यार इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप यार सिंपल अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, कोई पैसों से की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यार आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले यार मैं बात करता हूँ आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के अंदर, यार मैंने इस वीडियो को यूनिट को दो वीडियो में डिवाइड कर दिया, दो लेक्चर में। सबसे पहले लेक्चर के अंदर बात करूंगा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड मतलब होता है बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपके जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना नाटक के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट 10th ऑफ अप्रैल को, उसके अंदर मैं आपको बात करूंगा वीडियो के लास्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो कि इन टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन थे, अभी बात करूंगा मैं वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले बात करता हूँ कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स है मेन, फॉर एग्जांपल जैसे फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और उसके अलावा हमारे पास आता है बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, या फिर आर्किटेक्चर ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ आती है, मतलब ठीक है टर्मिनोलॉजी वो आती है। तो ऐसे बच्चों के आपके बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे मेरे पास, तो यार उसलिए मैंने एक लिस्ट बना ली थी जो कि आप मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी, ये लिस्ट मेरे पास है। इस वीडियो के अंदर से यार सभी लिस्ट के अंदर सारे टॉपिक्स में एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो बात करने वाला फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसका मटेरियल मैंने आज आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पूरी समझते एक एक करके कैसे आपको पढ़ना होगा, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद अब जरूर जाकर उस चीज को नीचे पीडीएफ को सारी डाउनलोड करें पढ़ें, उसके बाद जो एक्सरसाइज जो भी आपको मैं बताने वाला हूं वो सब आपको एक्टिविटी करनी है बस। इसके बाद कहीं नहीं जाना है, जिस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक नहीं है स्पेशली यार उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, पर जिनके अंदर बुक्स है जिसके पास तो एज ए रिविजन ये वीडियो आपके लिए काम आने वाली, क्योंकि यार मैंने जो मेटेरियल इकट्ठा किया है वो सब जगह से इकट्ठा किया है, बुक्स हो गूगल हो या सब जगह से इकट्ठा करके कंबाइंड फॉर्म में आपको लाकर आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अब लड्डू है आपको लड्डू खाना ही होगा बस, अब मैं आपको खिला नहीं सकता हूँ, खाने का काम आपको करना है, मैं आपको दे सकता हूँ बस। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास यार फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास दो तरीके आती है, इंडियन यार जहां पर हम लोग रह रहे हैं भारतवासी इंडियन, वो उसके अंदर जितने भी फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स है। उसके बाद आता है फॉरेन, विदेशों की बात करते हैं, विदेशों के अंदर जैसे बड़े बड़े जो हमारे पास सेवन वंडर्स जो भी बाहर के सेवन वंडर्स है ताजमहल के अलावा जितने भी है, उसके अलावा हमारे पास आता है बुर्ज खलीफा, सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, और बुर्ज अल अरब जो कि 7-स्टार होटल है, ऐसे करके हमारे पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि 7 वंडर्स ऑफ में आ गई, ये 7 का मतलब समझ रहा हूँ, ये 7 का मतलब होता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए मैंने क्या क्या सुनो, इसके अंदर क्या करोगे आप जब नीचे जाओगे ना तो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, अभी पीडीएफ के अंदर मैं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, बताऊंगा कैसा आपको पीडीएफ में क्या क्या प्रोवाइड मिलेगा। इसके अंदर मैंने A to Z पॉइंट्स सब शॉर्ट नोट्स के साथ कवर किए हैं, जितने भी दो चीज लिखी हुई है ना इंडियन और फॉरेन, इन दोनों के अंदर फेमस बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को हर एक टॉपिक के साथ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आया पहले बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा के अंदर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे A to Z इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि क्या ना एक्चुअली के अंदर कोई चीज पैराग्राफ में होती है तो हमारे उसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, खत्म हो जाती इच्छा कोई चीज पैराग्राफ में होती है। ठीक है, ऐसे करके अगर कोई चीज आपको पॉइंट्स में दे दी जाए कि भैया ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, उन पॉइंट्स कंबाइन के अंदर हमको चीजें पढ़ने में आसानी होती है, एक बहुत ज्यादा इजी फॉर्म हमको लगता है। ठीक है, इजी फील होता है, तो आप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं, पॉइंट्स दिए हैं शॉर्ट नोट्स दिए हैं सबको रीड ही करना है, यहां तक पूरा रीडिंग का काम चल रहा है। अब सुनो यहां तक क्लियर कर लोगे इंडियन वाली और फॉरेन वाली, पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ मैंने कौन कौन सी नीचे आपको दिए टॉपिक्स, तो ऐसे कुछ है टॉपिक। सबसे पहले मैंने ये दिया है, अगर मैं इंडियंस फेमस बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा अजंता केव्स, आगरा फोर्ट के बारे में मिलेगा। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी जो 10th अप्रैल के दिन पेपर हुआ था उसके अंदर अजंता केव्स और आगरा फोर्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे, अभी जो 10th अप्रैल के अंदर जिसने पेपर दिया नाटक का फर्स्ट अटेम्प्ट उसको पता होगा अजंता केव्स और आगरा फोर्ट, यार ऐसे क्वेश्चंस जो है लास्ट अभी जो पेपर के अंदर भी आए हैं, लास्ट ईयर के अंदर से भी आए हैं, ऐसे जो टॉपिक्स ऐसे जो फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स उनको यार मैंने सबसे नंबर वन से डालते हुए सीरीज में चल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अकबर टॉम्स बुलंद दरवाजा, चार मीनार, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, फतेहपुर सीकरी, गोल्डन टेम्पल, हवा महल, जमा मस्जिद, जंतर मंतर, कोणार्क टेम्पल, लोटस टेम्पल, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, सोमनाथ टेम्पल, सांची स्तूप, ताजमहल,
तो अजमेर के अंदर भी अभी 10 अप्रैल के जो अभी 10 अप्रैल को हुआ था नाटक फर्स्ट अटेम्प्ट, इससे भी क्वेश्चन आया था। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, कुतुब मीनार वगैरह, ऐसा कुछ आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी बड़े बड़े जितने भी फेमस बिल्डिंग है, कोई से भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, सबको आप नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, वो हमारे पास आता है क्या, अच्छा एक फॉरेन रह गया। फॉरेन के अंदर बात करो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, और कुछ म्यूजियम्स होंगे, एफिल टावर होगा, बुर्ज खलीफा बात कर चुके हैं, बुर्ज अल अरब, सेवन स्टार होटल बात कर चुके हैं, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बात कर चुके हैं, सिडनी ओपेरा हाउस, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे यहाँ पर इंडियन और फॉरेन के लिए। गो थ्रू करना है, नोट्स को खोलना है, पढ़ लेना है, एक दिन का काम है बस। मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूँ, आज और कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो टॉपिक बड़ा है, जिस टॉपिक बड़ा होगा उस मैं आपको सेकंड वीडियो नहीं दूंगा उस दिन, ताकि आप उस दिन उस टॉपिक को पूरा कवर कर दो। ये टॉपिक बड़ा, इस टॉपिक के अंदर पूरा आप इसको आराम से कवर करो, ठीक है, जस्ट अगले दिन इसकी मेन जो अगली जो थ्योरेटिकल वाली वीडियो है वो आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड टॉपिक, वो मैंने इसके अंदर रखा है, वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कुल मिलाकर 35 हेरिटेज ऐसी साइट्स है जिसको हेरिटेज के कैटेगरी में रखा गया है यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को पता होगा ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो कैटेगरी डिसाइड करती है, यहाँ पर आपको इसके बारे के अंदर भी 35 जो साइट्स है इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन ईयर आपका मिल जाएगा, और किसने इसको बनाया है, डिजाइन किया है, कौन है इसका आर्किटेक्ट वगैरह, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। नंबर थर्ड आता है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, जितने भी 50 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस है। अब चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी एक दो हिस्टोरिकल प्लेसेस कॉमन हो सकते हैं, पर उसके अलावा जहां पर बात करते तो 50 ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे जो यार मैंने आपको नीचे पीडीएफ के फॉर्म में दे रखे हैं, सब चीज आपको मिल जाएगी पूरे शॉर्ट नोट्स के साथ, टेबल फॉर्मेट के साथ। कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ना है बस उसको, एक दिन का भी अंदर अंदर का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए दोस्त। और अगर मैं बोल रहा हूँ याद करना है तो एक दिन से अंदर अंदर का ही टाइम लगेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो प्लीज आज आदमी इसको कंप्लीट कर लेना अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं पीडीएफ के अंदर फॉर्म में क्या क्या आपको पॉइंट वाइज मिलेगा। बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ किसी भी बिल्डिंग, किसी भी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया ताजमहल, ताजमहल के अंदर आपको मिलेगा क्या इसकी लोकेशन है, बिल्ड बाय किसने बनवाया है, उसके बाद मिलेगा कंस्ट्रक्शन ईयर क्या है इसका, उसके बाद मिलेगा आर्किटेक्चर स्टाइल्स, उसके अंदर डायमेंशंस, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन लग रहे हैं, मतलब मान लो सिमेट्री आ रही है, जो भी हमारे पास आ रहा है सिमेट्री हो या फिर प्रोजेक्शन हो, कुछ भी हो, सब चीज आपको मिलेगा। आर्किटेक्चर स्टाइल्स आपको मिलेगी, कौन कौन से स्टाइल आर्चेज वगैरह की डिजाइन क्या है, स्टाइल्स क्या है, सब चीज आपको पॉइंट वाइज आप मिलेगा। उसके बाद करते हैं मेटेरियल्स, किस मेटेरियल से उसको बनाया गया है, मार्बल है चाहे स्टोन है कोई भी है, सब चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है नीचे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज, और इतना पढ़ लेते हो, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, ये सब चीज कंप्लीट कर लेते हैं, हमको करना ही है आज के अंदर, मैंने आपको आज का टाइम दिया है, कर लो इसको, खत्म कर दो यार। ठीक है, खा जाओ, मतलब समझ रहे, भूख, हमको भूख लगती है, जैसे खाना खाने दौड़ते हैं वैसे आपको पढ़ाई की भूख होनी चाहिए। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स पसंद है जिनके अंदर भूख हो, कुछ करने की भूख है, भैया ये तो हमने निपटा दिया, अब आप और भेजो। मैं बोल रहा हूँ यार, अगर आपने ये चीज और ये चीज, यहां तक ये जितनी भी पीडीएफ मैंने एक थ्योरेटिकल नीचे फॉर्म में दे रखी है, और अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज वाले की, अगर ये आपने आज के अंदर निपटा दिया, और अगर आप मुझे कमेंट कर दो कि भैया अगली वाली वीडियो के अंदर कि भैया हमारे वो सब कुछ हो गया, तो ये गारंटी कि मैं आपको और मटेरियल लेकर आऊंगा, और मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी टेंशन मत लो, कहां से लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए जितना भी मटेरियल आपको चाहिए, पर लेकिन आप बस लगे रहो, करते रहो, कोशिश पूरी पूरी करते रहो। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब सुनो, अब एक्सरसाइज के नाम पर जितना भी आप पढ़ लोगे, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी आप पढ़ते हो ना उसको ध्यान से पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए काम करना। मैंने आपको ये पिछली वीडियो के अंदर कहा था 15-20 डेज स्ट्रेटजी के अंदर कि आपको जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर एक शॉर्ट नोट्स बनाकर अगर काम कर रहे हो तो एज अ टाइम ऑफ रिविजन, तो आपको एक शॉर्ट नोट्स ही काम आएगा। नहीं तो यार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई मान लो कोई डाउट आया तो आपको सोचो कि हाँ मैंने ये वाला डाउट उस जगह पढ़ा था, तो वापस अगर वहां उसको ढूंढने जाओगे तो यार वो ढूंढते ढूंढते टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होगा पेपर में, हाथ में एक पेपर होगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मुला लिखे होंगे, तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन के अंदर पेपर काम आ जाएगा, टाइम बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। मैंने आपको सबसे पहले 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दे रखी, जहां पर 100 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं बिना अनसोल्व, पर लेकिन लास्ट में सोल्व उनके आंसर्स दे रखे हैं, सिंपल एमसीक्यूज है, थ्योरेटिकल ये कुछ सोल्व करना नहीं है, सिंपल अगर याद ढंग से किया, ढंग से नोट सब पढ़ लोगे इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, और कुछ नहीं। इस 100 क्वेश्चन के अंदर आपको कुल मिलाकर लगभग 80-85 थ्योरेटिकल है, उसके साथ साथ 15-20 क्वेश्चंस वो जो है इमेजेस वाले क्वेश्चंस, आपको पता होगा एग्जाम के इमेजेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। मान लो आपको ताजमहल या भी किसी भी फोर्ट का इमेज दे दिया और बोला कि ये इमेज देख के बताओ ये कौन सी मॉन्यूमेंट है, कौन सा ये बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, बिना देखे देख करना है प्लीज, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब होता है बिना देखे देख, ये आपका टेस्ट हो रहा होगा कि यार आप जितना आपने पढ़ा एक दिन में आपको कितना याद है,
ठीक है। अब बात करते हैं ये चीज कंप्लीट होने के बाद, अगर आपको इतना सा आपको पेट नहीं भरता कि भाई हमारे को पेट नहीं भर रहा है, हमारे को और चाहिए, हमारे को और भूख लग रही है, तो सुनो क्या करना है यार। मैंने एक लास्ट आपको बताओगे, जब नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था और या फिर जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, उससे पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे पहले से जुड़े हुए हैं उनके यार मैंने एक प्रोवाइड की थी 14 PDFs, मैंने कुल मिलाकर 14 PDFs प्रोवाइड की थी। इस 14 PDFs के अंदर सब तरह के टॉपिक शामिल है, सब तरह के टॉपिक्स है, फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स भी है, अगली जो वीडियो में आने वाली है उसके टॉपिक्स भी है, चाहो तो उसके टॉपिक्स मत करना, इसके टॉपिक्स में कर लेना। 14 PDFs है और हर एक PDF के अंदर 40 questions है, यानी 14 × 40 बराबर 560 MCQs आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अनसोल्ड। इसके भी आंसर्स बात करूं, इस आंसर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, इस आंसर्स की अलग से मैंने वीडियो बना रखी, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसमें लिखा होगा। उसके साथ साथ यार कुछ पॉइंट्स भी है कि 5 points या फिर 3 points फॉर इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, एक थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो है, उसके साथ साथ इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यहां तक की बात क्लियर। अब यार एक जी, कैपिटल जी मतलब क्या होता है, 7 मतलब तो था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल जी मतलब बताया, ये चीज मैं पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि एक वर्ड होता है गूगल, सबको पता है यार मैं ऐसी बोल रहा हूँ, गूगल, गूगल की हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे यार, फॉर एग्जांपल आप मान लो ये चीज आपने पढ़ा और ये चीज आपने पढ़ा, अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको पढ़ो तो, अगर आप बोल रहे कि भैया हमारे ये पढ़ लिया तो चाहे हम कंप्लीट, अगर हमारे और कुछ करना है तो बिल्कुल करो यार, मैं बिल्कुल कभी मना नहीं करूंगा आपको, जो जहां से पढ़ना है सब पढ़ो, जो करना है आपको वो करो। आपको रेफरेंस बुक लेकर चल रहे हो, मैं ऑलरेडी बोल चुका था एक रेफरेंस बुक लेकर चलो ताकि और आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और आपको कुछ करने को वहां से मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस आपको चीजें कुछ शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक आप पढ़ रहे हो यार उस बुक के भी अगर वहां से और इस नोट्स के अंदर कुछ भी अगर एक दो क्वेश्चन के अंदर आंसर या कुछ पॉइंट में डिफरेंस अगर लगता है, कोई भी डाउट आता है तो बस गूगल पे जाओ यार, और कुछ नहीं करना, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कोई कोचिंग के अंदर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो घर पे सेल्फ पढ़ रहे हो तो यार एक हमारे कोचिंग जो ऑनलाइन वो है गूगल, गूगल बाबा है, तो यार गूगल बाबा के ऊपर जाकर जो भी सर्च आए डाउट सर्च कर लेना। आपको पता होगा गूगल के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हैं उसके नीचे क्या होता है, वहां पर सजेशंस के अंदर कुछ और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा उस टॉपिक्स के ऑलराउंडर जितने भी क्वेश्चंस है सबको समझने के लिए एक कंबाइंड फॉर्म में। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। ये सब कुछ यार पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है हमारे सबसे पहला जो फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। अभी यार थ्योरेटिकल है, इसके अंदर कुछ समझाने का तो है नहीं, मान लो अगली जो वीडियोस आने वाले जितने भी आएगी वीडियोस है, फॉर एग्जांपल बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर जो भी मेंटल एबिलिटी जो लॉजिकल रीजनिंग जितनी भी वीडियोस आएगी उसके अंदर सब चीज समझेंगे हम। 30-second क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। अभी लास्ट जो पेपर 1 होता उसके अंदर आए भी थे अलग अलग से क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है सबको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। पर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, यहाँ पर आपको बस मटेरियल प्रोवाइड करना है, आपको मटेरियल पढ़ना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं बिना देखे देख और बस खत्म कर लोगे, ठीक है। तो ये सब काम सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही है, जैसे ये वीडियो खत्म होती है वीडियो को बंद करो, शुरुआत कर दो, सारे PDF डाउनलोड करो, लग जाओ बस, और शाम तक रात तक खाना मत खाना यार जब तक ये सब कंप्लीट नहीं होता, जब तक खाना मत खाना, छूना मत यार खाने को, देखना मत, कोई बुलाए तो कमरे से बाहर मत निकलना, कमरे को बाहर से लॉक लगवा देना, बंद करवा देना किसी को बोल के कि भैया मेरे से इतना टाइम बाद इतने टाइम तक मेरे खोलना मत कमरे को जब मैं फोन करके बोलना दू। ये होता है यार एक वो पढ़ाई करने को ना जुनून वो होना चाहिए तब जाकर आप इस चीज को एक दिन में कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स यार मैंने वो देखे हैं जो बोलते थे अभी हम कर लेंगे बट लेकिन यार ठीक है एक टॉपिक पढ़ा दो टॉपिक पढ़ा फिर कहीं इधर उधर ध्यान चला गया, कहीं क्या सोचने लगे और टाइम खत्म हो जाता है, फिर बोलते भैया हमको तो टाइम नहीं मिल रहा, फोकस नहीं यार, हर चीज के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोशिश करते रहो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज कॉन्सेप्ट है, करना है आराम से एक्सरसाइज करनी है, और सुनो पहले एक्सरसाइज के ऊपर मत जाना, पहले यहां तक पूरा पढ़ना, पहले एक्सरसाइज के ऊपर चलेगी और पहले आंसर देके एक्सरसाइज सॉल्व कर ली तो मुझे पता आप ये शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा क्योंकि आपको लगेगा कि भैया मैंने तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब शॉर्ट नोट्स क्यों पढ़ूं, उसका काम ही क्या, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। एक्सरसाइज और PDF के फॉर्म अभी मत जाना, यहाँ पर सिंपल जो PDF शॉर्ट नोट्स की दे रखी है आपको लाइन वाइज नीचे सीरीज वाइज उनको पहले पढ़ना है, कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर से वीडियो के ऊपर आकर यहाँ पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और PDF देखना है, जो भी आपको डाउट है वो सब चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस नहीं यार, जो भी चैनल के ऊपर नए हो यार सब्सक्राइब जरूर करना यार, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो यार, बस सपोर्ट की आपको है बस यार एक अच्छे अच्छे कमेंट, और जो भी आपका डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर आपका डाउट पूछ सकते हो, सबसे बड़ी चीज जो भी यार मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है इन फ्यूचर कोई भी वीडियोस में क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझे पूछ लेना, यहाँ पर अगर रिप्लाई नहीं मिले तो ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन चाहिए तो वो तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर क्योंकि मैं कोई फोटो भेजनी है किसी भी चीज वो सब वहां पर ही पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो यार जरूर से आप वहां जाकर फॉलो कर लो, कोई भी अच्छी अपडेट होगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा किसी भी वीडियो का जो भी चीज हुआ, वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी पोस्ट कर दूंगा, यहां तक क्लियर। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ध्यान रखो यार अगली वीडियो जो अपनी आ रही है उसके अंदर बस तैयारी करते रहो, जो यार चीज बोल रहा हूँ उसको अंदर खत्म कर दे रहा हूँ उस टाइम लिमिट के अंदर खत्म कर दे रहा है, ये अपनी गारंटी की आने वाले 10 डेज के अंदर 10-15 डेज के अंदर आपका पूरा नाटक का एक बार का सिलेबस खत्म करा दूंगा विद मॉक टेस्ट,
ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं खड़ा हूँ, आप टेंशन मत लो, बस तुम बस लगे रहो, चाहो यार पूरा मतलब लगा दो पूरा जोर, फाड़ कर दो, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, अगले टॉपर तुम रहो, अगली बारी तुम्हारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।